कौन है जो जग रहा है? गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम मैम, कौन से बुक निकालना है? इंग्लिश निकालना है। इंग्लिश का पीरियड लैंग्वेज लिटरेचर कुछ होता है। मैम, इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालना है ना? गुड मॉर्निंग मैम। सर लोगो। ओके मैम। ओपन कर दिए सभी चैप्टर 6। यस मैम। मैम आपने बोला था चैप्टर 6 में हम फिल इन द ब्लैंक सुनेंगे। हाँ स्क्रीन पर सभी को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम।
यस मैम दिख रहा है. ओके मैम कौन सी बुक? कंप्यूटर चैप्टर 6 फिल इन द ब्लैंक. मैम निकाल लिया. इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. मैम लोगो. मैम लोगो है. बाव लोगो. सेकेंड है द टर्टल इज इन शेप. टर्टल का शेप कैसा है? मैम ट्रायंगुलर. जिनका नाम लेंगे वही आंसर करेंगे. ओके द पॉइंटेड साइड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड इट. आंसर करिए. मैम हेड. गुड. एंड द बोथ साइड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड टेल. मैम टेल. मैम टेल. टेल. गुड. टेल. अनुष्का कुमारी आप आंसर करिए. द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन इज कॉल्ड द. मैम होम. होम मैम. होम. गुड. गुड. रिया आनंद आप आंसर करिए. एज द टर्टल मूव इट ड्रॉ अ बिहाइंड इट. फिल करिए. मैम कौन सा वाला? थर्ड वाला. As the turtle moves, it draw a turtle. क्या draw करता है? Mam line. Good line. Very good. Answer करिए. What is primitive? What is primitive? हाँ. मैम इसका आंसर ये है क्या? व्हाट इज प्रिमिटिव? मैम द अदर नेम फॉर लोगो कमांड इट प्रिमिटिव. गुड. इन लोगो कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव. लोगो में कमांड को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव. इफ वी टाइप अ रॉन्ग प्रिमिटिव. अगर हम कुछ गलत टाइप करते हैं द टर्टल विल नॉट ओबे. तो टर्टल हमें नहीं दिखाई देगा. ओके और क्या बताएगा? एरर मैसेज.
समझ में आ रहा सभी को प्रिमिटिव क्या है? यस मैम। इन लोगों कमांड आर कॉल्ड प्रिमिटिव। लोगों में कमांड को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। अगर हम कुछ गलत टाइप करें तो इफ वी टाइप आर रॉन्ग प्रिमिटिव द टर्टल विल नॉट ओबे, तो टर्टल हमें शो नहीं करेगा। ओके यस मैम। यस मैम। An error image messages will be displayed on the screen, और हमें कुछ स्क्रीन पर क्या दिखेगा? एरर दिखेगा, एरर मैसेजेस। यस मैम। वी कैन टाइप द प्रिमिटिव इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। हम कैपिटल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी। The turtle follows the primitive and perform task. और जो हमें हम जो primitives देते हैं उसको follow करके turtle अपना काम करता है। ठीक है? मैम कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर है 54। मैं स्क्रीन रुकिए, मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ आपको। मैम आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ रुकिए। मैम अब दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही है। मैम नहीं दिखाई दे रही। फिर चली गई। मैम नहीं दिख रही। मैम नहीं दिख रही। अब भी दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। यस मैम देख रहा है। और मैं दिख रही हूँ? नो मैम। नो मैम आप नहीं दिख रही। यस मैम दिख रही है। मैम आप दिख रही। ओके आप आगे करिए। व्हाट प्रिमिटिव? मैम नहीं दिख रही। आपको बुक दिख रही है ना? आप आंसर करिए। व्हाट इज प्रिमिटिव? इन लोगों कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। इन लोगों कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। मैम इन लोगों कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। लोगों में कमांड को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। इफ वी टाइप अ रॉन्ग प्रिमिटिव द टर्टल विल नॉट ओबे। मैम पेज नंबर? पूरी बुक है आपके सामने, देखिए पेज नंबर है 54। मैम देख 54 कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव। We can type the primitive in capital letter or small letter. हम प्रिमिटिव को बड़े अक्षर में भी और छोटे अक्षरों में भी टाइप कर सकते हैं। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. बताइए प्रिमिटिव को लोगों में क्या कहते हैं? प्रिमिटिव को लोगों में क्या कहते हैं? नहीं पता। इन प्रिमिटिव आर कॉल्ड लोगो कमांड। इन प्रिमिटिव आर लोगो कमांड। Moving the turtle. Yes,
We have to tell the total how many steps to take and add in which direction. For example, to tell the total to move forward 30 steps, we would give the step 1 type forward, step 2 press the space bar, step 3 type the number of steps the total should take. For example, 30 step 4 press enter or click on the quit button. We have to tell the turtle how many steps to take and which direction. हमें turtle को क्या बताना है कि हम कितने कदम चलेंगे और किस direction में चलेंगे. We have to tell the turtle how many steps to take and in which direction. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें टर्टल को बताना है कि टर्टल को कितने कदम चलना है और किस डायरेक्शन में चलना है. ठीक है? Yes, ma'am. We have to tell the turtle how many steps to make in which direction. For example, to tell the turtle to move forward and backward. 30 steps. We would give the command this way. किसके में? First step है type forward, second है press the space bar, third है type the number of step the turtle should take. For example, 30. Fourth है press enter or click on the step. समझ में आया? सभी को स्टेप समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Turtle को बताना है कि अगर हमें टर्टल को बताना है कि उसको कितने स्टेप और किस डायरेक्शन में चलना है तो हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे. आंसर करिए. फॉरवर्ड को टाइप करना होगा और स्पेस बार को प्रेस करना होगा. आंसर करिए. जिनका नाम दे वो आंसर करे. नंबर ऑफ काम भी आप आंसर करिए. मैम हम लोगों को मैं बताऊं फॉरवर्ड पर क्लिक करना होगा, फिर स्पेस बार पर प्रेस करना होगा, बाद में टाइप द नंबर ऑफ स्टेप द टोटल शुड टेक फॉर एग्जांपल 30, बाद में उसको नंबर देके एग्जांपल देना होगा, बाद में फिर हम लोग इंटर बटन पर क्लिक करें, बाद में एग्जिट बटन पर. वेरी गुड. अर्पित कुमार आप आंसर करिए. मैम क्या? अगर हमें टर्टल को बताना है कि उसको कितने स्टेप चलना है और किस डायरेक्शन में, तो फिर हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे? मैम मूविंग टर्टल. बताइए आंसर करिए. वेरी गुड. मैं बताऊं अनुष्का कुमारी आप बताइए. मैम स्टेप 1 टाइप फॉरवर्ड, स्टेप 2 प्रेस द स्पेस बार और स्टेप 3 टाइप द नंबर ऑफ स्टेप द टर्टल शुड टेक फॉर एग्जांपल 30, स्टेप 4 प्रेस इंटर और क्लिक ऑन एक्सक्यूट बटन. व्हाट इज अब मैं बताऊं. अब सेकंड आंसर करिए. व्हाट इज लोगो? लोगो क्या है? मैम मैं बताऊं मैम लोगो इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. रिया आनंद आप बताइए. यस मैम. कौन सा पेज
तीन नंबर है. व्हाट इज लोगो? लोगो क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज. लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बताइए आंसर करिए. मैम नहीं मालूम. साहिल प्रजापति आप बताइए. मैम मैं बताऊं. लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाम ले रहे हैं वो आंसर करें. सभी साथ में मत बोलिए. जिनका आंसर ले रहे हैं मैम. लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक बार बोलिए. हेल्प अस टू ड्रॉ एंड राइट एंड ऑफ कैलकुलेशन. एक साथ मत बोलिए. पेज नंबर कौन सा है? साहिल प्रजापति आप आंसर करें. मैम अब मैं बताऊं. मैम लोगो मैम मैं बताऊं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखो पहले पहला पेज अब जा रही है कि नहीं. लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैम लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हां मैम मैं बताऊं. एंड डू कैलकुलेशन. और लोगो हमें किसमें हेल्प करता है? लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैम लोगो हमें किसमें हेल्प करता है? ड्रॉ राइट एंड डू कैलकुलेशन. कैलकुलेशन. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लोगो? Language of graphic oriented. Language of graphic oriented. Good. Logo was designed in 1967. Logo को design कब किया गया था? 1967. By Seymour Peter and his co-workers. और उनके co-workers at the Manchester Institute of Technology, USA. Later, MSW logo was developed by George Mills. किनके द्वारा develop किया गया था? George Mills. At the University of University का क्या नाम था? USA. नहीं. No ma'am. Answer करिए. University of Southern California. USA. Ma'am, it is the version of logo used of with Microsoft Windows. How to start logo? मैं बताऊं. जिनका नाम लेंगे वो आंसर करेंगे. सभी एक साथ मत बोलिए. आंचल कुमारी आप आंसर करिए. How to start logo? मैम पेज नंबर. पेज नंबर 51. मैम द लोगो स्क्रीन. स्टार्टिंग लोगो. हाउ टू स्टार्ट लोगो? मैम मैं बताऊं. मैंने किसका नाम लिया है? आचल कुमार भी आप आंसर करिए. लेट यूज जेट स्टार्टिंग विथ लोगो. स्टेप वन क्लीन ऑन द स्टार बटन. स्टेप टू क्लीन ऑन द वन
मैम ये क्या है? क्या बताइए? साहिल प्रजापति आप आंसर करिए। यस मैम। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लोगो। स्टेप वन, स्टेप वन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। स्टेप थ्री मूव द माउस ओवर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। स्टेप फोर क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। मैम क्या कभी लाइन आ रही है? यस मैम। क्या मैम शबमी लाइन की स्क्रीन पर शबमी ने खींचा है? उधर से हटा रहे थे, आपकी वीडियो चला रहे थे, उसमें बस से लाइट खींच गई। जान दीजिए, कोई बात नहीं। अनुष्का कुमारी आप आंसर करिए। हाउ टू स्टार्ट लोगो। लेट अस गेट स्टार्टेड विथ लोगो। स्टेप वन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। Step 2, click on all programs. Step 3, move the mouse over the Microsoft Windows logo. Step 4, click on Microsoft Windows logo. Very good. Next है topic, the logo screen. A window with the... A window is... मैं बताऊँ. कमांडर विंडो बोलो मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम। क्लास अभी और है। ओके यस मैम। आप लोग होमवर्क पहले कर लीजिए। मैम फिर से बता दीजिए। मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज सी एंड सेकेंड है डी राइट ट्रू एंड फॉल्स। मैम कॉपी में नहीं, आपको इसे लर्न करके आना है। मैम चैप्टर सिक्स मैम मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स पे लर्न करना है। हाँ
ओके मैम। मैम ये हॉलिडे होमवर्क कब चेक होगा? यस मैम ये हॉलिडे होमवर्क कब चेक होगा? मैम ट्रू और फॉल्स करना है और क्या करना है? मैथ्स द फॉलोइंग मैम होमवर्क मैथ्स द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स मैम होमवर्क है मैथ्स द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स We can decide both parts that of the logo window according to the needs. My little man. Logo window के दोनों हिस्सों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से decide कर सकते हैं. Okay? Yes, yes. We can decide both the part of the logo window according to the दोनों पार्ट को अपनी नीड्स के हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं. Oh no, I it is not help you. Sahil, आप बहुत तेज़ आ रही हैं. That may be so. क्या मैम? But you don't. ये भी फ़ोन कर रहे हैं. मैम मेरा भाई है. Okay. That title bar. मैं रीडिंग करूं? रीडिंग नहीं करना है, बताइए टाइटल बार क्या है. मैम मैं रीड करता हूं. टाइटल बार मैम कौन सा पेज नंबर? मैम टाइटल बार इज एट द टॉप. दिस टेल्स अस व्हिच विंडो वी आर लुकिंग एट एंड शोस द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर. वेरी गुड. टाइटल बार क्या है? द टाइटल बार इज एट द टॉप. कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सबसे टॉप में रहता है उसको क्या कहते हैं? टाइटल बार. मैम पेज नंबर कौन सा है? और ये हमें टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है? दिस टेल अस दिस विंडो वी आर. पेज नंबर कौन सा है? द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर 52. ये हमें क्या बताता है कि हम किस विंडो को देख रहे हैं? This tell us which window we are looking at and show the name of the software. और हमें सॉफ्टवेयर के नाम बताता है. And show the name of the software. Menu bar. It has menu which we use to make the logo title do our work. दिख रहा है सभी को? यस मैम दिख रहा है. मैम यस मैम. मेन स्क्रीन द ब्लैक स्पेस इन द मिडिल ऑफ द लोगो विंडो इन द मेन स्क्रीन इट इज द आल्सो इट इज द एयर वेयर वी द फिगर्स बिहाइंड द ब्लैक इन द मिडिल ऑफ द लोगो विंडो के बीच में
कॉल्ड द जो ब्लैंक स्पेस है उसको क्या कहते हैं मैम मिडल बेड स्क्रीन द ब्लैंक स्पेस इन द मिडल ऑफ द लोगो विंडो इज द मेन स्क्रीन लोगो विंडो के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उसको क्या कहते हैं मेन स्क्रीन सबको समझ आया मेन स्क्रीन को कहते हैं yes, लोगो विंडो के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है क्या कहेंगे मेन स्क्रीन मेन स्क्रीन मेन स्क्रीन में इट इज द एरिया वेयर वी सी द फिगर बीइंग ड्रॉ बाय द टर्टल इट इज द एरिया वेयर वी सी द फिगर बीइंग ड्रॉ बाय द टर्टल टर्टल के द्वारा जो फिगर बनाते हैं वो हमें कहाँ दिखता है मेन स्क्रीन पर ठीक है द मेन स्क्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्राफिक स्क्रीन और मेन स्क्रीन को क्या कहते हैं ग्राफिक स्क्रीन ग्राफिक स्क्रीन गुड द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन दैट वी डू आर ऑल्सो डिस्प्लेड हियर और जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमें कहाँ दिखता है उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखता है द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन दैट वी डू आर ऑल्सो डिस्प्लेड हियर मैम आप लोगो टीचर पढ़ रही है ना हाँ लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा द रिजल्ट द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन दैट वी डू आर ऑल्सो डिस्प्लेड हियर और जो हम कैलकुलेशन करते वो हमें कहाँ दिखता है मेन स्क्रीन सबको समझ में आ रही है ना यस मैम यस मैम गुड लोगोस टर्टल यस आई स्मॉल ट्रायंगल करो आर टोटल अपर एट द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन ऑफ द लोगो इट एक छोटा स्मॉल ट्रायंगल नो एस टर्टल जो हमें छोटा ट्रायंगल दिखता है उसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए मैम टर्टल मैम टर्टल हाँ राइट आंसर मैम टर्टल अपीयर एट द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन ऑफ लोगो और ये हमें कहाँ दिखाई देता है और ये क्या है इट इज द टर्टल्स होम पोजिशन